ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग है, और ये सत्संग संगत जी हमने रिकॉर्ड किया था, पूरी सूरत संगत गई थी, लगभग उस समय में नियर अबाउट 45 संगत थे। हम सूरत से बड़े मंदिर गए थे 6 अप्रैल को, तो ट्रेन में ये तेजस राजधानी से हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो रास्ते में अमित आनंद अंकल हैं जो गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं, उनका सत्संग हमने रिकॉर्ड किया था। ये हमारे साथ थे अंकल, पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में। हाँ जी, पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में। मैं अंकल जी का दिल से शुक्राना करता हूँ इतने प्यारे सत्संग के लिए। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ब्लेस सत्संग है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। उनका नाम है विभा अरोड़ा, वो बहुत ही फेमस गायक डॉक्टर है। वो कैसे जुड़ी गुरु जी से, उनके थ्रू मुझे, मैंने पहली बार सुना गुरु जी के बारे में, तो जुड़ा तो मैं कैसे वो भी बताता हूँ। शी इज अ वेरी फेमस गायक डॉक्टर और बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती है, नॉट फॉर मनी, तो बहुत नाम है उनका इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। तो उनका फ्लैट है गोरेगांव में, तो उन्होंने जिसको रेंट पे दिया उनके थ्रू उनको पता चला गुरु जी के बारे में। एंड वो भी जब लाइफ में पर्सनली बहुत परेशान थी, जब उसको ये पता चला तो उनकी वो जो टैलेंट थी उनको सब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके जब बच्चा नहीं, आपको बच्चा नहीं हो सकता, IVF से भी नहीं हो सकता। और वो फिर इनके पास आई थी, इन्होंने भी बोला कि नहीं हो सकता, और फिर वो उनकी टैलेंट बनी। फिर उन्होंने बताया कि किसी ने उनको माँ जोड़ा गुरु जी से, और देन शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। जब कहते हैं ना, जब डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म होती है तो गुरु जी की डॉक्टरी शुरू। एकदम रियल केस है। और मतलब फिर वो विभा के पास आई कि मेरा बच्चा ऐसे हुआ, जब विभा ने सुना तो कहती है अच्छा मैं भी जाऊँगी। गोरेगांव में रहती है, फिर वो जुड़ी, उसने मुझे ऐसे बताया अमित एक ऐसे गुरु जी है। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने बोला फिर ऐसे बताया उन्होंने कि आप आना, आप बॉम्बे आओगे तो मैं आपको लेके चलूँगा। हाँ ठीक है, अब मिले लेकिन नहीं जा पाए, उसको ना कोरोना हो गया उस दिन। ऐसे हम जाने वाले थे अभी, तो अपने बच्चों को चुप करा दो यार, आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रही है। फिर उसने मुझे बताया कि जो उनका मेन मंदिर है, बड़े मंदिर, वो दिल्ली में छतरपुर में। जैसे ही मैंने सुना, तो मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे फादर साहब मुझे 85-86 में फिफ्थ क्लास में था, हम सरोजनी नगर रहते थे साउथ दिल्ली में, तो यहाँ पे हम रुके थे ना कुतुब मीनार, वहाँ मुझे आज भी याद है, वहाँ बसेस रुकती थी PTC की, बहुत छोटा सा एरिया हुआ करता था, कुछ भी नहीं था, बाउंड्री वाउंड्री ऐसी दुकान होती थी, छोटा सा पान का शॉप होती थी। तो वहाँ से लेके फिर फादर हमको छतरपुर लेके जाते थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था, कात्यायनी माता का। हाँ, उस मंदिर में एक गुरु जी, तो मैंने ऐसे ही रिलेट किया, मुझे आज भी याद है फादर लेके जाते थे, तो वो उनके रूम में जाते थे गुरु जी के, और वहाँ लोग ऐसे आते थे कि बोरों में ऐसे भर के पैसे भर के लोग, मुझे बहुत छोटा मेमोरी ये याद है कि ऐसे साइड में रख देते थे। मैंने ऐसे ही ज़ूम किया, वो उसी आश्रम की बात कर रही होगी। तो मैं एक दिन दिल्ली आया, तो मैं ऐसे छतरपुर पहुँच गया, मैंने वहाँ दर्शन किए, ठीक है ऐसे हो गए, तो मुझे लगा मैंने आश्रम के दर्शन कर लिए, गुरु जी के दर्शन हो गए, मैंने स्वरूप भी नहीं देखा था गुरु जी, सिर्फ सुना था, ना मैंने उसको पूछा, ना मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि दिखाओ थे कैसे गुरु हैं ये गुरु जी, हमारे गुरु जी। ऐसे करके कुछ टाइम हो गया और मैं बड़ी खुशी, फिर इसके बाद मेरे एक फ्रेंड है, वो रहते गुड़गांव में,
फिर उसने मुझे बताया अगले दिन ना मैं जा रही हूँ थर्सडे, गुरु जी का आश्रम है छतरपुर में। मैंने बोला मेरे तो दर्शन हो गए, मैं गया हूँ कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर अगले दिन मैं दिल्ली में ही था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ छतरपुर देव। तो मैंने उसको ऐसे भेजा तुम इधर आ जाओ। मैंने उस आश्रम का यही आश्रम है ना, कहते ये थोड़ी है, मैं यहाँ जाके आया। उसने बोला ये तो आज बंद होता है, वेनेसडे का दिन था उस दिन। मैं कहा नहीं नहीं वो तो हमेशा खुलता है। मैं दोबारा वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँचा ना तो फिर मैंने ऐसे सोच के नीचे ऑटो वाले के पास आया। मैंने बोला आश्रम चल रहा है गुरु जी, कहते वो तो बंद है आज। मैंने क्या बात की, तो रोज खुलता है। बोले नहीं नहीं वो तो बंद है। तो फिर ऐसे करके मैं ऐसे लौट गया। उस दिन भी मैंने देखा नहीं कौन गुरु जी है। दो बार ऐसा हुआ। फिर मैं 31 दिसंबर को बॉम्बे गया था 2022। तो उस दिन विभा ने मेरे को बताया, हम लोग मिले सुबह, मतलब सुबह मॉर्निंग में मिले, कहते आज तो बहुत बड़ा फंक्शन है बॉम्बे आश्रम में, ठीक है। तो मैंने ठीक है। उसकी डॉटर जाऊँगी सिंगापुर। उसने बोला आप, मैं 12 बजे आऊँगी। तो मैंने उसको पूछा कितने बजे प्रोग्राम, बोले सुबह 8 बजे से, 1 जनवरी 2023 बॉम्बे का इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहले जाता हूँ, मैं दर्शन कर गया। मैं ऐसे ही पहुँच गया वहाँ पे, आर्य कॉलोनी से बस जाती उसके आगे शटल सर्विस लगी हुई थी। वहाँ शटल पर नहीं गया, मैंने ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठा तो शेयरिंग ऑटो था, मेरे बाजू में एक भाई साहब बैठे थे। मैंने बोला आप भी आश्रम जा रहे हो क्या? एड्रेस वेड्रेस तो गूगल में, जब भी मैंने गुरु जी का स्वरूप भी नहीं देखा था। मैं कहा ऐसे ही चलते हैं। उसने मुझे, उनका नाम है हिरेन सोरी और बहुत पुरानी संगत है। बॉम्बे में पहले कहीं और आश्रम था ना, घर पे था किसी का, हाँ घर पे था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या पहली बार आए हो? मैंने बोला हाँ। बोले अच्छा वहाँ भी था पहले? मैंने कहा अच्छा। फिर वो मुझे बोलते हैं आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला सूरत से। गुजराती में बात करी तो मुझे गुजराती आती है, बोलते अच्छा तुम आए हो पहले? मैंने कहा नहीं। बोले चलो मेरे साथ चलो। मैं गया, सीधा मुझे ना ऐसे अंदर ले गए ऑटो में, उतरे पीछे, नीचे किचन है ना ऐसे जाके साइड में से रास्ता है ना पहले, और पीछे पूरी किचन है। वहाँ देखा तो पूरा गुरु रख दिया, और फिर एकदम हाथ में सब प्रसाद वसाद दे दिया, चाय प्रसाद। मैं बैठा ऐसे, जब तक मैंने गुरु जी का स्वरूप भी नहीं देखा। मैंने उनका जो आश्रम में आगे होगा, मैं भी चुपचाप खड़ा रहा ऐसे। तो फिर थोड़ी देर बोलते हैं चलो आपकी सेवा लगाता हूँ। तो मुझे सेवा का मतलब मालूम है क्योंकि मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। मैंने कहा होगा कहीं खड़ा करेंगे जोड़ा घर में नहीं। तो वो मुझे ऐसे बाहर ले गया किचन से ऊपर, और बाहर जहाँ वो मेन गेट है ना इसका बॉम्बे आश्रम का, तो 1 जनवरी को टेबल यहाँ लगी थी, और बैक साइड में पूरा जोड़ा घर का वो बनाते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाओ उस टेबल पे, और बोला हिरेन भाई ने बोला सेवा चाहिए। मैं ऐसे चला गया, उन्होंने बोला जो कुछ सिस्टम पता नहीं, मैं उधर गया टेबल के पास। उन्होंने बोला, मैंने बोला हिरेन भाई ने मुझे सेवा चाहिए। उन्होंने बोला ऐसे देखा सेवादार ने, कहाँ से आए आप? मैंने कहा सूरत से। पहले आए हैं? नहीं फर्स्ट टाइम आए। उन्होंने ऐसा कार्ड निकाला, पेन लिया, बोला नाम बोलो। मैंने बोला अमृत आनंद, ऐसे लिख दिया डाला मैंने गले में। बोला बोला वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से वो आएगा प्रसाद बन के आएगा। 1 तारीख को पूरा पैक रहता है प्रसाद, वो उठा के आपको सेवा ये थी, पूरा किचन से आएगा, फिर सेवादार देगा और उठा के मुझे एक आगे पकड़ा देनी है, और एग्जिट गेट में टेबल लगती है वहाँ पे। मैं खड़ा हो गया सेवा कर रहा हूँ, वो विवाह ही वहाँ से पीछे 12 बजे वो देख के लाइन में आई, और मैं सबको लाइन भी ठीक करना था मेरा काम, और वो बचा रहा था। वो बोल दिया ऐसे इशारों इशारों में सेवा। मैं बोला ये ऐसे क्यों कर रही है, मैं तो सेवा मिल गई। मैंने जब उस टाइम तक मैंने गुरु जी का स्वरूप भी नहीं देखा, और गुरु भाई जी कैसे दिखते हैं, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस हुआ क्योंकि मुझे साफ सफाई इतनी पसंद है। क्या ऑर्गेनाइज, एक एक चीज, मतलब वायर भी है तो उसके ऊपर टेप लगी हुई है, और वो जो रेड कार्पेट है, ग्लास भी पूछवाते हैं ना वो लोग, फिर ऐसे पकड़ाते हैं, और आपको नैपकिन अंदर हाथ में डालना, नैपकिन डाला आप उंगली नहीं डाल सकते, आपको नैपकिन से गोल करना, और ऐसे ही वो जो आप बोलते हो चुपचाप मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है वैसी। मैं देख रहा हूँ और मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा यार मैं कहीं आ गया, मैं ऐसा लगा मैं कहीं आ गया, मतलब हर आदमी अपना काम कर रहा है, स्माइल, जैसे आप लोग सब सेवा करते हो तो चुपचाप
इसलिए जो आप बता रहे हो ना, कोई ऐसा बोलता है, मुझे तो कभी दिखता भी नहीं ऐसा दिखता है, कितना ऑर्गेनाइज शांति से हो रहा है। वैसे करते करते फिर उसके बाद एक सेवादार आया, बोला जाओ आप दर्शन करोगे। उन्होंने मेरा निकाला बैग, मेरा ऊपर जाके दर्शन कर दिया, फिर फर्स्ट फ्लोर पर मैं गया और वहाँ दरबार में बिठाया। पहली बार मैंने गुरु जी का ये स्माइल चेहरा, पता नहीं मुझे देखते ही ऐसा कनेक्ट हुआ ना भाई साहब, तो बता नहीं सकता, ऐसा लगा मुझे आहा साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। और चेहरा देखते देखते इतना स्माइल आई मेरे चेहरे पे, ऐसे फिर थोड़ी देर में ऐसे मतलब अंदर से तो इमोशन ऐसे फील हो गया, वाह यार ये क्या गुरु है मतलब। और पूरा वो लगी है, गद्दी लगी हुई है और लोग सबके चेहरे आप देखो, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हो ग्रंथ साहब के सामने, कैसा फील आता। तो मैं तो बचपन से जाता था, तो अरे क्या मतलब क्या मैजिक है, कोई एकदम सब ऑटो मोड पे चल रहा है और एक एक चीज ऑर्गेनाइज, मतलब किचन देख लो आप, बड़े बन रहे हैं, कहीं पे कुछ गंदगी नहीं, तो नीट एंड क्लीन। और दरबार में मैं बैठा, इतना मजा आया मेरे को। तो ये मेरा चलते पहला दर्शन और सेवा, मैं किसी को भी बताता हूं, देखो बिना दर्शन दिए पहले आपको सेवा दे दी, आपको सेवादार बना लिया।